तो हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस एम आई आई पे और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी लेके आते हैं आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं दोस्तों आजकल स्टॉक मार्केट में अच्छा रिवर्सल चल रहा है और कुछ स्टॉक्स में बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स जो हैं ब्यूलिश रिवर्सल शो करते दिखाई दे रहे हैं इसी तरह का एक स्टॉक है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस स्टॉक में टेन परसेंट की रैली देखने को मिली है ऑन द फ्राइडे करेंटली इसकी मार्केट प्राइस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सेवन है तो आइए इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स एक एक करके जान लेते हैं देख लेते हैं कि क्या इस स्टॉक में अब हमें बाई करना चाहिए सेल करना चाहिए या होल्ड कर देना चाहिए और आइए सबसे पहले नए आए हो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बेल लाइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक जरूर कर दें आइए अपार इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो एक दिन में ही बहुत ही बड़ा धमाका इस स्टॉक में देखने को मिला है और फाइव डेज में भी अब नाइन पॉइंट ट्वेंटी थ्री परसेंट की रैली जो है वो देखने को मिल चुकी है तो इस स्टॉक ने आप देख सकते हो लोअर सपोर्ट बना के बहुत ही ब्यूलिश मोमेंटम जो है वो शो कर दिया है एक ब्यूलिश इंडिकेशन है यदि वन मंथ का डाटा देखें तो ट्वेंटी टू हंड्रेड के अराउंड इसकी सपोर्ट है यहाँ से इस स्टॉक में जो है ब्यूलिश रिवर्सल देखने को मिला है वन मंथ में सेवन पॉइंट सेवेंटी नाइन परसेंट की रैली मंथ का डाटा देख लेते हैं लास्ट सिक्स मंथ में नाइन्टी फाइव परसेंट की रैली इसके चार्ट में दिख रही है बहुत ही शानदार मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिला हुआ है नियरली आप कह सकते हो सिक्स मंथ में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है तो थोड़ा और लॉन्ग टर्म का पैटर्न देख लेते हैं वन ईयर में देखोगे टू हंड्रेड सिक्सटी सिक्स परसेंट के मल्टीपैग रिटर्न ही इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे छोटी छोटी करेक्शन के बाद इस स्टॉक में कंटिन्यूअसली रैली हो रही है और ये स्टॉक अपने निवेशकों को मालामाल करता जा रहा है क्योंकि फाइव जीअर्स में देखोगे टू ट्वेंटी फोर परसेंट के मल्टीपैग रिटर्न हैं जबकि मैक्सिमम रिटर्न देखोगे सिक्सटी से भी ज़्यादा रिटर्न हैं क्योंकि इस स्टॉक की जो प्राइस थी वो जुलाई टू को थर्टी सिक्स रुपीज थी आज ये जो स्टॉक है नियरली सिक्सटी एट टाइम्स ग्रो कर चुका है मतलब उस टाइम यदि किसी ने वन लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करके इसमें छोड़ दी होती तो आज उसकी जो वैल्यू है हैट टाइम्स हो गई होती लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी रैली होने के बाद क्या अब ये जो स्टॉक है ये आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकता है तो आइए इसके फाइनेंशियल पैरामीटर देख लेते हैं क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल ग्रो करेंगे तभी उसके फंडामेंटल ग्रो करेंगे पहले दिसंबर 22 का डाटा देख लेते हैं रेवन्यू में सेवेंटी सिक्स परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली है एक्सपेंस भी जो है वो सिक्सटी सिक्स परसेंट के हिसाब से बढ़ गया है मार्जन्स भी इंप्रूव हो गए हैं सेवेंटी फोर परसेंट के हिसाब से इसलिए इसकी जो नेट इनकम है टू हंड्रेड नाइन परसेंट के हिसाब से ग्रो हो गई है और अबिटा भी आपको शानदार रैली शो करता दिखाई दे रहा है तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही शानदार है यदि दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 22 तक का क्वार्टरली डाटा आप देखोगे तो इसका रेवन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है जबकि इनकम में भी स्लोली स्टाइडली ग्रोथ देखने को मिली है मतलब कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही हेल्दी है कंटिन्यूसली इसके सेल्स वॉल्यूम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जो एनुअल लेवल पे भी बहुत ही शानदार ट्रेंड है 2018 से लेकर 22 तक ये जो ब्लू कलर में इसका रेवन्यू है बहुत ही शानदार ग्रोथ शो कर रहा है और जियर ऑन जियर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ है मतलब कंपनी के नंबर जो हैं क्वार्टरली बेसिस पे भी इम्प्रूव हो रहे हैं और फिनेंशियल ईयर ट्वेंटी के नंबर्स भी बहुत ही शानदार रहे हैं मतलब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पॉजिटिव निकल कर आ रही है बैलेंस शीट का डाटा देख लेते हैं यदि कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पे भी बहुत ही शानदार ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे 2020 ऑनवर्ड्स इसके एसेट्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं जबकि लाइबिलिटीज भी ज़रूर इम्प्रूव हुई हैं तो बैलेंस शीट देखो टोटल एसेट्स बढ़ते दिखाई दे रही हैं टोटल कैश देखो कैश भी बढ़ रहा है एसेट्स भी बढ़ रही हैं लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं तो ओवरऑल कंपनी के पास अच्छा कैश रिजर्व भी देखने को मिला हुआ है क्योंकि कैश फ्लो देखो तो कैश फ्लो भी आपको ओवरऑल बढ़ता दिखाई दे रहा है नेट चेंज इन द कैश देखो ये बढ़ रहा है तो अच्छी इंडिकेशन है कंपनी की एक अच्छा कैश रिजर्व भी होल्ड करती है और इसकी बैलेंस शीट भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है तो यही बड़ा कारण है इस स्टॉक में रैली का क्योंकि आजकल इसकी वैल्यूशन भी सही हैं क्योंकि दोस्तों पी ई मल्टीपल्स ट्वेंटी के राउंड चल रही हैं तो हमने पहले ही बोला है यदि कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको ट्वेंटी से लेके कर टेन से लेके कर ट्वेंटी तक के पी ई मल्टीपल्स तक मिलता है तो ये एक अच्छी मौका होता है उस स्टॉक में एंट्री बनाने का लेकिन फिर भी आप सिप के थ्रू ही अकमुलेसन करें यही हमारी आपको राय है कंपनी का मार्केट कैप नाइन पॉइंट फिफ्टी नाइन थाउजेंड करोड़ का निकल कर आ रहा है तो आप देख सकते हो एक स्मॉल कैप कंपनी है वैल्यूएशन भी सही है फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रोंग यदि कंपनी क्वार्टर फोर में पॉजिटिव नंबर्स दे देती है पॉजिटिव नंबर्स शो कर देती है तो आपको इस स्टॉक में फिर बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिल सकती है क्योंकि इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ बहुत ही शानदार है बहुत ही बढ़िया है क्योंकि दोस्तों जो पीई मल्टीपल्स होते हैं वो भी किसी स्टॉक की जो अर्निंग की ग्रोथ होती है उस पे डिपेंड करता है और स्टॉक प्राइस पे डिपेंड करता है तो इसकी स्टॉक की प्राइस की बहुत ही शानदार है तो फिर भी हम आपको यही कहेंगे इस तरह के स्टॉक को आप सिप के थ्रू अकमुलेसन करें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो आपको जरूर यहाँ पर मल्टीपैग रिटर्न मिलते दिखाई दे सकते हैं हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है तो शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं थैंक्स अगेन मिलेंगे नई वीडियो के साथ अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ और बेल लाइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक्स के